आप देख सकते हैं किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अच्छा, अब ऑटो पे की बात कर लेते हैं। ऑटो पे का कोई भी फंक्शन मैंने एक्टिवेट नहीं किया है फोन पे से, उसके बाद भी मेरा पैसा डिडक्ट हो गया है 899 रुपये, और जो कि रात को 2:00 कुछ मिनट पे डिडक्ट हुआ, जबकि मैं रात को 2:00 कुछ मिनट पे एक नींद या दो नींद ले चुका होता हूँ। भाई इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब सोचो, हम तो चलो थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, नॉलेज है, तो इनको कस्टमर केयर पे भी फ़ोन कर लिया, इनको टिकट इरेज भी करा दिया है और बैंक को भी कॉल करके बता दिया है, क्योंकि तो सोचो जो पढ़ाई लिखाई किए ही नहीं है वो कैसे करते होंगे। ऑटोमेटिकली उनकी पेमेंट डिडक्ट हो जाती होगी और उनके पास एक मैसेज आता होगा कि आपकी पेमेंट डिडक्ट हो गई है। अब वो क्या करते होंगे, ना उन्हें साइबर सेल्स का पता है, ना ही उन्हें फ़ोन पे के कस्टमर केयर का पता है, बस उनको ये पता है कि फ़ोन पे से पैसे चले जाते हैं, फ़ोन पे पैसे आ जाते हैं। किसी को ये थोड़ी ना पता है कि फ्रॉड चल रहा है। तो गाइस सतर्क रहें, बच के रहें, और फ़ोन पे अगर आपके फ़ोन के अंदर है तो गाइस फ़ोन पे हो गया, यूपीआई की कोई भी आपका ऐप हो गए, उनको डिलीट मारिए और एक बैंक के ऐप को चलाइए। हर बैंक आज के टाइम पे हर सुविधा दे रहा है, स्कैनर दे रहा है। किसी भी बैंक की बात कर लो, आज के टाइम पे सारे बैंक आपको स्कैनर से लेके हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, यहाँ तक कि आपको बिल भुगतान के लिए भी एक ऐप दे रहे हैं ऑटोमेटिकली, जिसमें आप अपने बिल भर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। गाइस सतर्क रहना, बहुत सावधानी बरतना, यूपीआई का मामला है दोस्तों। मैं लाल किले चांदनी चौक खूब घूमता हूँ, वहाँ का एक वाक्य आपको बता देता हूँ। एक रिक्शा वाला था, 1,90,000 रुपये का उसका ट्रांजेक्शन हुआ और उसे पता ही नहीं था कि वो ट्रांजेक्शन कब हुआ और कैसे हुआ। उसे पता लगा जब उसे मैसेज मिला कि 1,90,000 रुपये कट चुके हैं उसके, और वो पैसे यूपीआई आईडी पे जा रखे थे, ना कि मोबाइल नंबर पे। तो सोचो वो पैसे उसके रिफंड तो आए नहीं, क्योंकि वो विदा इंडिया से बाहर जा रखा था पेमेंट। तो सोचो दोस्तों कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। इन चीज़ों को देखते हुए मैं आपको एक ही राय दूंगा, इन चीज़ों से बचो और डायरेक्ट फ़ोन पे वगैरह से बढ़िया है डायरेक्ट अपना बैंक के ऐप को यूज़ करो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन शेयर कर देना। ये एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है हर राइडर्स के लिए, हर लोगों के लिए, इंडिया के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।